नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और आज हो गया ही है 14th of September और टाइम हो गया है 4:45, ठीक है 4:45 PM हो गई है। तो आज के मार्केट की चर्चा कर लेते हैं, मार्केट में क्या हुआ क्या हुआ, उससे तो कुछ ज्यादा खास हो नहीं रहा है पिछले 5-6 दिन में, ठीक है। कल क्या हो सकता है, कल क्या नहीं हो सकता है, उसमें भी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरा व्यू ऑलरेडी क्लियर है पहले से। बस लोगों को थोड़ा सा रहता है कि वीडियो डेली आनी चाहिए, तो वीडियो डेली आ रही है। ये है दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, इसको पढ़े बिना आप मेरी वीडियो नहीं देखें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, जस्ट स्टडी पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ। सेकेंड, अगर आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ मैं लाइव अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, तो इन सब के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं एनालिसिस पर। पिछले 5 दिन में आप देखें दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन में कैंडल रेडी बन रही है, मतलब जहां खुलता है मार्केट उसके नीचे ही क्लोज करता है, ठीक है, जहां खुलता है उसके नीचे ही क्लोज करता है। तो मेरा जो व्यू है, मेरे को ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ही लग रहा है, यहाँ पे मुझे एक्यूमुलेशन नहीं लग रहा, ठीक है। तो आज भी मार्केट अगर आप देखेंगे, यह चार्ट लगाइए, आप आधे घंटे का चार्ट लगा लीजिए, ये देखिए ऊपर से नीचे 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 लास्ट में नीचे की तरफ ही बंद हुआ है, ठीक है। और अब इसको सपोर्ट जो मिल जाएगा इंट्राडे बेसिस पे, वो कल इस लाइन पे मिल जाना चाहिए, जो कि लेवल निकल के आता है 345-346 यहाँ पे नीचे की तरफ। ये तोड़ेगा तो डेफिनेटली फिर आपको नीचे की तरफ 230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाय करके नहीं खेलना है, बाय करके नहीं प्ले करना है, मैं बिल्कुल भी बाय के पक्ष में नहीं हूं, ठीक है। मैं सेल ऑन राइज करना चाहता हूं, मैं मार्केट को ठोकना चाहता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से मैं यही, सात दिन से यहां से मैं यही कह रहा हूं, मार्केट को बाय नहीं करना। फिर भी किसी को बाय करना है, वो बिंदास करे, ये मैं उनको कह रहा हूँ जो मुझे थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। 200, 250, 300 जितने भी लोग होंगे, बाय बिल्कुल नहीं करना है, आपको सेल के ही मौके देखने हैं। इंट्राडे बेसिस पे लेवल्स आर ओनली देयर, 345 के नीचे से आप इंट्राडे में सेल करिए, वही लेवल है 315-285, उसके नीचे 255, ये आपको देखने को मिलने चाहिए। ये जहां मर्जी करे, जो मर्जी करे दोस्तों, ये ऊपर नहीं जा सकता जब तक ये 20 EMA को टच नहीं कर ले, ठीक है, ये ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। अब आई 17,500 फुट की बात, देखो दोस्तों ये जितना जल्दी इसको, हम तो यहां से बैठे हुए, ये वाले दिन से बैठे हुए 3rd of क्या कहते हैं सेप्टेम्बर से, ये जितना जल्दी इसको टच कर लेगा उतना जल्दी हमारा प्रॉफिट बनने के चांसेस होते हैं। पर एक कंसोलिडेशन फेज में है, टाइम ले रहा है, तो अब तक एक बार एवरेज किया। आज सुबह मैंने वीडियो बना के बोला, अगर 470 480 के लगभग मिलता है, आंख बंद करके 2 लॉट बाय करके चुपचाप बैठ जाना, ठीक है। अब होगा क्या अगले 3 दिन में, ठीक है, अगले 5 दिन में मार्केट नीचे के ही लेवल दिखाएगा आपको, ऊपर के नहीं दिखाएगा। भगवान करे, मैं कहता हूं एक मौका मिल जाए 470-480, वहां पे जरूर 2 लॉट बाय करूंगा मैं 17,500 पी के, ताकि नीचे तो आना ही है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। मैक्सिमम मेरे को इसी वीक में दिख रहा है, इसी वीक में इसको छू जाएगा। अब मान लो एक कल छूता है, तो कल ये आपका लगभग 17,040 के बीच में होगा 20 EMA, तो वहां से भी अगर ये इसको गिर के छूता है, तो जो एवरेज हमारी 440 के लगभग आ रही है, वो तब भी प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है। अब मान लो कल भी नहीं, भाई परसों छूता है, तो परसों आपको ये मिलेगा 17,080-17,090 इसके बीच में, तब भी ये इसको छूने आता है, तब भी आपकी वो पी प्रॉफिट में रहेगी, ठीक है। इन केस फ्राइडे को छूने आता है, तो मैं अपडेट कर दूंगा, उस पी में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रॉफिट ही करवाऊं, ठीक है।
उसमें प्रॉफिट ही करवाऊं। मौका मिले 450 के ऊपर भी मिले तो दो लॉट 17,500 पी के बाय करने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली नीचे ही आएगा। ठीक है, एक अगले दो दिन में मेरे को 17,250, ठीक है, 17,250 के लगभग आता दिख रहा है अगले दो दिन में ही, और फ्राइडे तक 17,100 के नीचे मार्केट एक बार आना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत चार्ट में दिख भी रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ट में, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी कुछ दिख रहा है। इन केस किसी भी हद से ऊपर पहुँच जाता है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, वहाँ चिल्लम चिल्ली मचाने से टेलीग्राम ग्रुप में कुछ नहीं होगा। इन केस ये, इतना वो, इतना ये, इतना वो, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं दो लॉट ले चुका हूँ, ठीक है, दो लॉट और बाय कर लूंगा अगर ये मुझे 450 के ऊपर मिलता है तो, ठीक है, आराम से मस्त प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं अगले 4-5 दिन में मार्केट को 17,100 के नीचे देख रहा हूं, और मेरी गट फीलिंग कह रही है फ्राइडे से पहले ही हो जाएगा, टिल दिस फ्राइडे 17,100 के नीचे आ जाएगा। और अगले दो दिन में आप तैयार रहिएगा, 17,250-260 के लगभग तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलना चाहिए कल या परसों। ठीक है, कल भी देखने को मिल सकता है, परसों भी देखने को मिल सकता है। ये हो गई पूरी कहानी खत्म, बाय नहीं करना है। अब कुछ लोग अक्टूबर एंड नवंबर एंड पूछ रहे हैं, अरे भाई मैं तो आराम से प्यार से वीडियो बना के बता चुका हूं, ठीक है, मेरे को तो मार्केट यहां दिख रहा है मिनिमम, ये कहां, ये 15,950 मिनिमम दिख रहा है नवंबर एंड, ठीक है, यहां पे ये, ठीक है, 15,950 नवंबर में। और अगर मैं अपना मन का आपको बताऊं, ठीक है, तो यहां आएगा मार्केट, कम से कम यहां तो आना ही चाहिए नवंबर एंड तक, 15,000, 15,000, 40,000, 50,000, ठीक है, यहां तक आना चाहिए नवंबर एंड में, ठीक है। और मैं जो बाई करता हूं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 16,500 की पुट दिसंबर की मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है, ये टाइम डिके वगैरह ध्यान में रखते हुए मैंने पोजिशन बनाई हुई है, पर उसमें उतना ही पैसा लगाया है कि जीरो हो जाए मुझे डर नहीं, ठीक है, जीरो हो जाए मुझे डर नहीं। अब आ जाइए निफ्टी बैंक में, ये निफ्टी बैंक दोस्तों, इसमें बिल्कुल प्यारा सा सिंपल सा पैटर्न बना हुआ है, ये जिस तरफ को ब्रेक करेगा उस तरफ आपको 300 से 400 पॉइंट आराम से देगा, ठीक है, 37,080 ये इसका नीचे लो बन रहा है, 400 से 500 पॉइंट नीचे ब्रेक करे, 400 से 500 पॉइंट, ऊपर ब्रेक करे 400 से 500 पॉइंट, सिंपल है बैंक निफ्टी का तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप पैटर्न है, और ये इसी के अंदर फंस चुका है, और मेरे को तो ये 35,800 की तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो नीचे RSI भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, यहीं पे इसी के बराबर में है आज, आप ये देखिए यहाँ पे RSI 52 है, इसी के बराबर में है, और यहाँ पे RSI 51 है, उससे नीचे ही है, स्ट्रेंथ भी वीक ही लग रही है, और ये मुझे नीचे की तरफ ही तोड़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप पूछें पोजिशनल बेसिस सितंबर में 35,800 भी आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है, कैंडल बैंक निफ्टी की कोई खास बनी नहीं है आज भी, इनफैक्ट लास्ट दो दिन से नहीं बनी है, पिछले तीन दिन से रेड 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 ही बन रही है, और ये कल इसका एक सपोर्ट रहेगा, मार्क कर लीजिए आप 36,480 के जिस दिन नीचे क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, ठीक है, आपका अगला टारगेट है 36,240, ठीक, और 35,800, ठीक है, 240,800 कितनी कुछ यहाँ पे मेरे को बाइंग ही नहीं दिख रही, आप देख लो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ दिन में दो ग्रीन कैंडल हैं बस, ठीक है, बाकी देखते हैं दोस्तों क्या रहेगा, मेरा तो व्यू प्रॉपर बियरिश है, मुझसे बार बार ना पूछें, मैं टिल नवंबर दिसंबर ये पूरे साल बियरिश हूं, जब तक मार्केट 16,000 के नीचे नहीं चला जाता, मैं 80% अपनी डिलीवरीज भी बुक कर चुका हूं, और मैं क्या बताऊं आपको, मेरे मुंह से और क्या सुनना है,
टिल नवंबर एंड बताओ क्या है, मोटिवेट करो। अरे क्या मोटिवेट करूं भाई, आपको बता दिया कि भाई मैं एक देखो गलत साबित हो सकता हूं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत साबित हो सकता हूं, पर मैं अपनी 80% डिलीवरी बुक कर चुका हूं, ये सच है, ठीक है। जो पोजीशन मैंने ली हुई है वो पोजीशन आपको बताई हुई है, ये भी सच है, ठीक है। और जो मैं कल करने वाला हूं वो मैं सुबह सुबह बता देता हूं, वो भी सच है। और मार्केट मेरे को नीचे ही जाता हुआ दिख रहा है, जितना पैसे की ताकत, जो मर्जी मैनिपुलेशन, रिटेल क्लाइंट की पोजीशन, मेरे को मार्केट में फिलहाल तो करेक्शन ही नजर आ रही है, ठीक है। और वो भी कम से कम 16,000 के नीचे आना चाहिए। अरे इस वेव का, ये जो वेव है ये भैया सेक दो बार मैं इसमें वेव काउंट चेंज कर चुका हूं, और कितना इसको ही ले जाएगा, ठीक है। अरे कम से कम इसका इतना तो करेक्ट करना ही है इसको, 23.6%, ठीक है, वीडियो निकाल के देखिए वो, और मेरा मन कहता है कि 38.2% करेक्ट होगा, 13,600 के लगभग आएगा, ठीक है। जब कभी 15,000 के नीचे जाएगा वहां से फिर मैं अपनी डिलीवरिंग बैंक दोबारा स्टार्ट करूंगा, या फिर मुझे कुछ और स्टॉक्स होंगे जो भैया मेरे नवरत्न है, CDSL, MCM, मैं जब बाय करूंगा जब आपको बता दूंगा भाई, चिंता ना करें, ठीक है। बाकी जो मुझे बता रहा है कि तेजी है, अरे मेरे को बताने से मैं अपनी पोजीशन नहीं चेंज करूंगा, तुम करो ना, तुमको दिख रहा है तो तेजी करो, बिंदास करो। साला वन डे के चार्ट पे RSI 81.24 है, अच्छे से दिखा दिया पीछे की तरफ, जब जब ये RSI इस रैली में यहाँ पे गई है, ये गई है 80, 500 से 600 पॉइंट की गिरावट, यहाँ पे गई है 80+, 1000 पॉइंट की गिरावट, वो निर्मला का बजट में उठा फिर, ठीक है। अब ये तीसरी बार 80 के ऊपर गई है, कर लो भाई, भाई जिसको किसने मना किया है, हो सकता है तुम्हारी लॉटरी लग जाए, हो सकता है तुम्हारे पैसे बन जाए, ठीक है। बट फिलहाल पीछे का डेटा देखते हुए, मेरी वेव काउंट को देखते हुए, मुझे मार्केट 16,000 से नीचे जब तक नहीं जाएगा मैं फर्दर डिलीवरीज ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मैंने पूरा अपना मार्केट का व्यू आपको पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी बार शेयर किया होगा ये वीडियो में, और सुबह मॉर्निंग में यही बोलता हूं मैं कि भैया सैलून राइज ही देखूंगा, मैं ठोकने के इंतजार में ही हूं, ठीक है। पर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, उसका बिहेवियर देखते हुए पोजिशन नहीं बना रहा हूं। तो भैया मार्केट में यही चीज नहीं होती सिर्फ, ठीक है, ये चीज नहीं होती, ठीक है, या फिर ये चीज नहीं होती, कुछ ये चीज भी होती है, ठीक है। और इसको जो सीख गया, मैं ये नहीं कहता हमेशा फायदे में रहेगा, बट वो अपना पोजीशन बनाना अच्छे से सीख जाएगा, SL डालना अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे यही कर रहा, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, अब बायर को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, सेलर को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वो जाने भाई, ठीक है दोस्तों। तो मार्केट सेल ऑन राइज ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।